If you enjoyed this video, if you like this video, if you've seen this video, if you enjoyed watching this video, if you like this video, please, 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 like, comment, share, subscribe to Best Pakistan. मेरी वकील से बात हुई है, वो आपकी जान इस मामले से छुड़वा देगा। और जो मेरे रब के साथ मेरा मामला है, उससे कौन जान छुड़ाएगा मेरी? उसकी अदालत में कौन बचाएगा मुझे? उस्मान, मैंने जो फैसला किया है उसी में आतिर की भलाई है। इसका क्या मतलब था? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों? मैंने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया और तुम मेरा छोड़कर अंदर चली गई। तो क्या हुआ? इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? बात है? तुम्हारे लिए मामूली सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये मामूली बात नहीं है। तुमने मेरा हाथ छोड़कर मेरी इंसल्ट किया। ऐसी बात नहीं है फैसल, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा ही है। क्या साबित करना चाहती हो तुम? बोलो, जवाब दो। क्या कर रहा फैसल? मेरे भाग छोड़ो। मेरी एक बात तंजीला कान खोलकर सुन लो। अगर आइंदा तुमने मेरी किसी बात को इनकार करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फैसल, मैंने कहा मेरे बाल छोड़ो। तुम आज भी उसी आतिर के बारे में सोच रही हो तंजीला? तुम्हें आज भी उसी की फिक्र है? तुमने मुझसे वादा किया था तंजीला कि तुम मेरे साथ जिंदगी शुरू करोगी, सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी। तुमने ये अच्छा नहीं किया तंजीला। मेरी मोहब्बत का हमेशा तुमने मजाक उड़ाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या जरूरत? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मुझे तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। अच्छा, और बंदे बालों में अच्छी नहीं लगती?
नहीं नहीं, अच्छी लगती हो, लेकिन खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो, कितनी बार तो बता चुका हूं तुम्हें। अच्छा कहा ना, रहने दो। आतेर मुझे खाना बनाना है। तो ये कि खुले बालों में किचन में जाकर खाना कैसे पकाऊंगी, गर्मी है। गर्मी है तो क्या हो गया, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। बैठो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैंने कहा बैठो। अच्छी तरह जानता हूं मैं कि तुम्हारा दिल क्यों नहीं चाह रहा, क्योंकि तुम्हारा दिल कहीं और अटका है। कैसी बातें कर रहे हो फिर से? ठीक कह रहा हूं मैं। नाश्ता करो। मैंने कहा नाश्ता करो। ये चाय बनाइए तुम, इतनी मिठास। इतना मीठा। तुम तो चाहती हो कि मुझे शुगर हो जाए और मैं मर जाऊं। तुम इतना ही मीठा लेते थे पहले। पहले की बात और थी। जिंदगी ने इतनी करवाहट दी है, क्या मिठास की आदत नहीं रही मुझे। तंजीला एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं, इसलिए तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। तुम आतर के पास नहीं जा सकती। पापा आपने तो कहा था कि आतिर का जल्द पता चल जाए, इस बात को भी इतने दिन हो गए, अब तक कुछ नहीं पता चला। बेटा तुम फिक्र मत करो, पुलिस बहुत स्ट्रांगली इस पे काम कर रही है, बल्कि काफी हद तक उन्होंने काम कर लिया है, और जल्दी वो आतिर तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। पापा जो भी करना है जल्दी करें। आप आतिर का किसी भी तरीके से पता करें, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। सीशांत तुम यहां क्या कर रहे हो?
हाँ वो मैं तंजीला से मिलने आया था। लेकिन आनिए तुम यहाँ, तुम कब वापस आई? मैं कब आई हूँ या कब नहीं आई हूँ इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? और मेरे घर में बगैर पूछे तुम कैसे आ सकते? अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें तंजीला से अब क्या काम? काम तो कोई नहीं मुझे तंजीला से, वो आतिर लाभ होता है ना, उसी सिलसिले में आया था। लेकिन तंजीला कहां पर? तंजीला यहां नहीं रहती। क्या मतलब? अगर तंजीला यहां नहीं है तो कहां है? अपने शौहर के साथ। अब वो उसी के साथ रहती है। शौहर के पास क्या मतलब क्या है तुम्हारा, मैं समझा नहीं। तंजीला का पहला शौहर फैसल, वो एक्सीडेंट में मरा नहीं था, वो जिंदा है। और उसके मरने की खबर की वजह से सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। तो जब फैसल आ चुका है तो वो तंजीला को अपने साथ ले गया। अब तंजीला उसी के साथ रहती है, उसके घर में। जिशान, जिशान, ये यहां क्या कर रहा है? इसका अब तंजीला से क्या ताल्लुक हो सकता है? तंजीला तो आतिर से शादी कर चुकी थी, फिर ये यहां। मामला कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं जरा बाहर जा रहा हूं, तुमने कुछ मंगवाना तो बता दो। कुछ नहीं, वो किचन में पर्ची रखी है, उस पर कुछ सामान रखा है, बोल आना बस। ये क्या हुआ? ये हाथ पे क्या हुआ? बोलो। वो कप टूट गया था तो किर्ची हाथ में लग गई। तो एहतियात से उठाना चाहिए था ना। चलो आओ मेरे साथ, आओ कमरे में। इधर बैठो, बैठो आराम से। बड़ा कट लगा लिया तुमने, एहतियात से उठाना था ना। मुझे कह देती मैं उठा देता। चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं,
मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो लेकिन ये जख्म ठीक नहीं है। ये भी ठीक हो जाएगा, कुछ वक्त लगेगा लेकिन भर जाएगा। वाकई तुम सच कह रही हो? तुम नाराज हो मुझसे? नहीं। झूठ! मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। नहीं, मैं झूठ बोल रही हूं। मैं तुमसे नाराज क्यों होगी? क्योंकि तुम्हें मैं यहां तुम्हारी मर्जी के खिलाफ लेकर आया हूं, इस घर में अपने साथ। तुम अभी भी आतिर से मोहब्बत करती हो ना, है ना? बोलो, तुम उसके साथ रहना चाहती हो ना? उसी गैर मौजूदगी में भी उसके नाम के साथ जिंदा रहना चाहती हो ना? बोलो। मैं जानता हूं कि तुम मजबूरी में यहां मेरे साथ आई हो। ऐसा नहीं फैसल। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि कसम खाकर बोलो कि तुम यहां अपनी मर्जी से आई हो। बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं अपने रब की मर्जी से आई। मैं जानता था कि तुम कोई ऐसे जवाब दोगी, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से नहीं आई। If you enjoyed this video, please like, comment, share, subscribe to Best Pakistani.